नमस्कार दोस्तों, पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स टीम में आप सभी का स्वागत है। एक बड़ा मशहूर गाना है, दिल टोटे टोटे हो गया, लेकिन क्या आप जानते हैं कि तंबाकू का सेवन भी आपके दिल के टोटे टोटे कर सकता है। जी हाँ, ये सच्चाई है। तंबाकू का सेवन सिर्फ दिल के लिए हानिकारक ही नहीं, पर्यावरण के लिए भी हानिकारक है। इन सभी मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है मशहूर पर्यावरणविद वैज्ञानिक डॉक्टर रविंद्र खैवाल। डॉक्टर रविंद्र खैवाल जी, आपका पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स टीम में स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार अनिल जी। ये रविंद्र जी, बड़ा मशहूर गाना है, दिल टोटे टोटे हो गया। आजकल दिल के वास्तव में ये टोटे टोटे कर रहा है, ये पर्यावरण के लिए ये कैसे नुकसानदायक है और वो कैंसर का भी एक बड़ा कारक है, अगर आप हमारे दर्शकों को बताएं। आपने बहुत अच्छा सवाल किया। देखिए, आज हम वर्ल्ड नो टबाको डे मना रहे हैं, यानी कि हमें तबाको का किसी भी रूप में इस्तेमाल नहीं करना है, इस पर चर्चा कर रहे हैं। और इस साल की थीम जो है, जो थीम होती है वो लोगों को एक स्पेसिफिक पॉइंट पर अवेयर करने के लिए होती है, तो वो है पॉइजनिंग अवर प्लेनेट। बेसिकली व्हाट दे वांट टू हाईलाइट हियर इज दैट थ्रू द होल लाइफ साइकिल, जब हम उसकी फसल उगाते हैं, जब हम प्रोडक्ट बनाते हैं, ये कैसे प्रदूषण का कारण बनता है। अब मैं आपको, देखिए क्या है कि उगाने में, उसको बनाने की तो हम चर्चा नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम बात करें कि ये कैसे बाकी चीजों में कंट्रीब्यूट करता है, जैसे कि आप जब स्मोक करते हैं तो जो स्मोक का धुआं है उसमें टॉक्सिक पोल्यूटेंट होते हैं, चाहे वो आप कहिए कि पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन VOCs लाइक बेंजीन, फॉर्मल्डिहाइड। इसके अलावा अगर आप देखें टॉक्सिक मेटल्स जो हैं वो इसका कंस्टिट्यूशन होती हैं, तो देयर आर मोर देन 200 नोन टॉक्सिक सब्सटेंस आर देयर। DDT जो बैन हो चुकी है उसके भी ट्रेसेस जो हैं वो हमारी तंबाकू स्मोक में मिल जाते हैं। तो जब ये स्मोक हमारे एनवायरमेंट में जाता है तो ये हवा का ही हिस्सा बन जाता है। इसके अलावा जब हम वो बर्ड स्पीकर नीचे डाल देते हैं तो वो जो रिमेनिंग पोल्यूटेंट है वो सोयल का पार्ट बनते हैं, और जब बारिश, जैसे हमने देखा अभी दिल्ली में कल हुई, या जब भी होती है, तो धीरे धीरे हमारे वाटर सिस्टम का पार्ट बन जाते हैं। तो ये जो पोल्यूटेंट है ये एक जगह से दूसरी जगह पे माइग्रेट करते रहते हैं, हवा, वायु और मिट्टी का हिस्सा बनकर। तो इसी तरह से जो हम ये बर्ड्स हैं, जो मिलियन ऑफ बर्ड्स, आपको भरोसा होगा कि हमारे हिंदुस्तान में हम जगह जगह फेंक देते हैं और उसके अंदर तंबाकू और ये सारी प्रोडक्ट होती हैं। तो अल्टीमेटली ये सब जो है, कह सकते हैं कि आप सारी धरती को प्रदूषित करने में अपना योगदान दे पाते हैं। यानी एक छोटी सी सिगरेट हमारे पर्यावरण को खराब कर रही है। माफ कीजिएगा, ये सिगरेट नहीं है, ये पेन है, लेकिन मैं सिर्फ एक इशारे में आपको बता रहा हूं। लेकिन क्या बीड़ी भी वैसे ही है? बिल्कुल, अगर आप देखें कि बीड़ी, सिगरेट, इन सभी से होने वाला जो आप कह सकते हैं प्रदूषण है, वो हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही हानिकारक है। और हमारे कुछ फ्रजाइल इकोसिस्टम होते हैं, कोरल रीफ वाला हुआ, जहां पर आप एक प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेने जाते हैं, तो आप देखेंगे कि वहां पर भी, जब ये समुद्र के किनारे काफी ज्यादा लोग स्मोकिंग करते हैं, तो वहां पर भी ये इस तरह के जो फ्रजाइल इकोसिस्टम है उनको भी प्रभावित कर सकता है। अच्छा, अब और दूसरी चीज, जी जी, आप तंबाकू पाउच को देखिए, प्लास्टिक को देखिए, पॉलिथीन को देखिए, तो ये सारे आपको जगह जगह मिल जाएंगे, और ये शायद दुनिया की पहली प्रोडक्ट होगी जिसपे साफ साफ लिखा है तंबाकू किल्स, स्मोकिंग किल्स, एंड हम उसके बाद भी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ये यानी जो तंबाकू का जो पैकेट है उस पर साफ लिखा होता है, सिगरेट के पैकेट पर साफ बना होता है, उसमें तो बहुत ऐसा भयानक चित्र होता है, फिर भी हम यूज करते हैं। लेकिन मेरा अगला सवाल, जो आपने बहुत अच्छा से पकड़ लिया, कि ये जो ये जर्दा तंबाकू के जो पाउच आते हैं छोटे छोटे, इनमें भी कुछ अंश रह जाता होगा, और वो भी शायद हमारी नाक में हवा के जरिए जाते हैं और वो नुकसान करते हैं, क्या कोई ऐसा अध्ययन है?
बिल्कुल इसके ऊपर साइंटिफिक एविडेंस भी है, इसके ऊपर कितनी बर्ड्स निकलती है, मैंने बताया मिलियन ऑफ बर्ड्स, आप देखिए कि हमारी कितने परसेंट पॉपुलेशन जो है वो स्मोकिंग करती है, तो अकॉर्डिंगली ये जो रिमेनिंग ऑफ द बर्ड्स हैं वो रह जाते हैं। इसके अलावा पाउच अगर आप देखें तो मिलियंस ऑफ पाउच जो है वो यूज करने के बाद हम फेंक देते हैं, वो प्लास्टिक की छोटी सी एक जिसमें हम कहते हैं चूना होता है उसको फेंक देते हैं, तो ये सब जो है पेपर प्लास्टिक और आप कह सकते हैं कि ये माइक्रो बोटल्स, ये सब जो है पोल्यूशन का कारण बन रहे हैं, और इसी वजह से ये जो प्लास्टिक पोल्यूशन है ये एक मेजर थ्रेट्स आ रही है हमारे एनवायरमेंट के लिए निकलकर। एक आजकल नया शक्ल शुरू हुआ है हुक्का। अब हुक्का तो यूज कर लिया लेकिन उसके बाद उसकी राख रह जाती है, जाहिर है वो राख भी जो है वो पोल्यूशन, ये फेंकी जाती है कूड़े में, फेंकी जाती है डस्टबिन के जरिए बड़े बड़े होटलों में रेस्टोरेंट्स में, वो भी कूड़ेदान तक पहुंच रही है, तो क्या ये भी हवा में घुल रहा है, ये भी एक बड़ी वजह है? बिल्कुल, देखिए क्या है कि बहुत सारे शहरों ने जो है हुक्का बार और इन सब पे बैन लगाया हुआ है, तो पहली चीज तो हमें ये समझनी पड़ेगी कि ये इलीगल एक्टिविटी है। आपको जानना होगा कि आपके शहर में या कहां ये बैन है या नहीं है, कुछ ही शायद जगह है जहां पर शायद इसको अलाउड है, बट अदरवाइज इट इज ए बैन प्रोडक्ट। इवन ई सिगरेट जो है रिसेंटली भारत सरकार ने उसको भी बैन कर दिया है, तो जो स्मोक है जब हम इस तंबाकू या उस से पाउस करते हैं तो वो जब सारा जो ये वेस्ट है ये हमारी हवा और मिट्टी और पानी को ही प्रदूषित करता है, क्योंकि आप पानी के थ्रू भी इसको निकालते हैं। देखिए आप तो डॉक्टर हैं, पोल्यूशन और पर्यावरण पर काम करते हैं, ये थोड़ा सा उससे हट करके है, आखिर ये सिगरेट और पोल्यूशन इन सब का डर होने के बावजूद लोग तंबाकू का इस्तेमाल कैसे रोके खुद को, क्या इस पे भी कभी कुछ आपने सोचा है, कोई अध्ययन या कभी दिमाग में आया है कि ये कैसे किया जा सकता है? बिल्कुल, हमारे यहां से प्रमुख वैज्ञानिक आप कह सकते हैं जो इस पर लगे हुए हैं, और भारत सरकार ने जो एक कह सकते हैं कि प्रयास किया है वो बहुत ही सराहनीय है। और आपको पता होना चाहिए कि मैंने आपको बताया कि स्मोकिंग ही नहीं, भारत सरकार ने तो ई सिगरेट और इन सब पर भी बैन लगा दिया है, और आने वाले समय में बेसिकली जो तंबाकू को लेकर भारत सरकार की योजना है वो बहुत ही आप कह सकते हैं कि लोगों को व्यापार और व्यवसाय को धीरे धीरे शिफ्ट करते हुए इस तरह से है कि हम तंबाकू को पूरी तरह से एलिमिनेट कर पाए, तो इस पर भी भारत सरकार की तरफ से कार्य चल रहा है अभी। बिल्कुल, अगर आप कहीं भी हैं, किसी शहर में हैं, गांव में हैं, अगर आपके आसपास कोई बीड़ी सिगरेट पीता है तो उससे हाथ जोड़ करके कहें कि भैया मुझे साफ हवा में सांस लेने दो। कहते हैं दिल्ली मुंबई चंडीगढ़ भी अब तो शामिल हो गया है, यहाँ पर रहने वाले लोग डेली बिना सिगरेट पिए भी कई सिगरेट पी जाते हैं। देखिए ये हालांकि तुलनात्मक अध्ययन नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो स्मोकिंग का है उसमें नॉन ह्यूमन कार्सिनोजन है, कई बार हमारा जो एयर पोल्यूशन है हो सकता है कि उसकी टॉक्सिसिटी के सब्सटेंस थोड़े डिफर हो सकते हैं, तो लेकिन रफली अगर हम ये कहते हैं कि 22.5 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब ऑफ अगर पोल्यूशन लेवल है तो हम उसे एक सिगरेट के बराबर मान लेते हैं, और उसी के अनुसार हम फिर इसकी अवधारणा करते हैं कि अगर 200 माइक्रोग्राम हमारा हुआ तो हम कह देते हैं कि लगभग आपने 8-9 सिगरेट के बराबर जो है वो धुआं पी लिया। ये क्योंकि हम धुएं के खतरे, जो सिगरेट के धुएं के खतरे को समझते हैं, अभी शायद हवा में जो प्रदूषण बढ़ रहा है उसके खतरे को नहीं समझ पा रहे, इसीलिए शायद ये धुएं के खतरे को लेते हुए, स्मोकिंग के धुएं को लेते हुए हम इसको कंपेयर करते हैं। आपको लगता है जो अस्थमेटिक केसेस हैं उसके पीछे PM2.5 और PM10 तो एक बड़ी वजह है ही, क्या ये धुआं भी एक बड़ी वजह है? बिल्कुल, देखिए क्या होता है कि एक तो पैसिव स्मोकर होता है और एक एक्टिव स्मोकर होता है, तो हम कह सकते हैं कि सेकेंड हैंड स्मोक जो है वो एक मुख्य कारण है और लोगों को पता नहीं होता। बेसिकली घर में छोटे बच्चे, हमारे यहाँ वल्नरेबल पॉपुलेशन, बुजुर्ग लोग, महिलाएं, जब एक आदमी या एक कोई भी शख्स इसका स्मोक करता है तो वो बाकी सब भी इसका अनजाने या जाने में हिस्सा बन जाते हैं। वेरी गुड डॉक्टर रविंद्र खैवाल, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबको बोलना चाहूंगा, यंगस्टर फ्रेंड्स, डोंट यूज एनी सिगरेट, नो एनी सिगार, नो एनी हुक्का, नो एनी हुक्का बार, क्योंकि अगर जिंदगी चाहिए
तो जरूरी है साफ हवा, और साफ हवा जो आपको दिख रही है सिर्फ उतनी नहीं है, इसमें भी सिगरेट हो सकती है। इसलिए अपने आसपास धुआं धूल इन सब को रोकें, बचाएं अपने आप को ताकि पर्यावरण अच्छा रहे। डॉक्टर खेवाल आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद।